की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। चुलबन नदी के पिपरी घाट पर से हो रही रेत की अवैध तस्करी। भंडारा और गोंदिया जिला से बह रही चुलबन नदी के पिपरी घाट का भले ही लीला हो चुका है, लेकिन बताते हैं कि नियम के अनुसार रेत न निकलते हुए अवैध तरीके से हजारों ब्रॉन्स रेती की निकासी की जा रही है। पिंपरी सोंदर का इस वर्ष चुलबन नदी के रेत का 2.25 एकड़ क्षेत्र लीलाव कर दिया गया, जिसमें से 1325 ब्रॉन्स रेती निकाला था। यह ठेका बोनिया के अली टेंडर्स के नाम हुआ है। बताया है कि माइनिंग ऑफिस से मंजूर क्षेत्र में से रेत न निकालते हुए अवैध तरीके क्षेत्र छोड़कर रेत निकाली जा रही है। प्रत्यक्ष पिपरी के चुलबन नदी घाट पर जाकर देखा तो बिना रॉयल्टी टिप्परों में रेत भरी जा रही थी। नियम के अनुसार कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, केवल 1325 ब्रॉस रेती की निकासी करना था, लेकिन अवैध तरीकों से हजारों ब्रॉस रेती की निकासी खुलेआम हो रही है। गोंदिया माइनिंग अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इससे सरकार को लाखों का महसूल डूबा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर। चुलबन नदी के पिपरी घाट पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ से शाम का वक्त होता आ रहा, फिर भी यहाँ से डंपिंग का काम चालू है। ट्रैक्टर से रेती बाहर निकाली जा रही है दिन में, और बहुत सारी रेती यहाँ से निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि चुलबन नदी का पूरा पात्र ही है और यहाँ से पूरी रेती निकाली गई हुई है। और यहाँ पर जो चुलबन नदी है, चुलबन नदी से रास्ता बनाया गया है, और यहाँ से भारी बारिश में भी ट्रैक्टरों से डंपिंग करके हमालों के माध्यम से पूरी रेती यहाँ पर लेके आना चालू है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डंपिंग की जाती है, सैकड़ों ब्रास रेती डंपिंग की जाती है, और फिर यहाँ से दिन में अपने जेसीबी के माध्यम से डिपोरों में रेती भरकर यहाँ से सप्लाई की जाती है। लेकिन पता चला कि यहाँ पर रात को भी जेसीबी के माध्यम से रेती निकाली जाती है, और यहाँ से रेती की रॉयल्टी होने के बावजूद भी अवैध तस्करी यहाँ से चालू है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो काम करने वाला यहाँ पर जो लोग हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि कितने ब्रॉस की रॉयल्टी है। यहाँ पर अभी देखा जाए गया स्पॉट पर, यहाँ पर किसी भी हालत में उनके पास में रॉयल्टी की बुक भी नहीं है। विदाउट बुक, विदाउट रॉयल्टी यहाँ से टिप्परों को भरा जाती है, और रास्ते में जो भी है वो रास्ते में पूरा का पूरा माल यहाँ मतलब रॉयल्टी दी जाएंगी, ये बताया गया। लेकिन स्पॉट पर मतलब घाट पर ना तो रॉयल्टी, उनके पास में रॉयल्टी बुक है ना किसी को रॉयल्टी दी जा रही है। बड़े मात्रा में यहाँ से रेती की अवैध तस्करी की जा रही है। मैं निशांत लांजेवार, MNS न्यूज़, भंडारा। MNS न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।